अल्ला वाली दे पेट विच सप। एक बस्ती दे विच एक औरत अपने परिवार दे नाल रिहा करदी सी। उहदे औलाद दे रूप विच एक बेटी सी ते अगे भी वो गर्भवती सी। वो औरत दे घर किसी चीज़ की कोई तंगी परेशानी नहीं सी, पर फिर भी उस औरत ते किसी ने काला जादू कर दिता, जिस करके उहदे चार औलाद मर गई सी। एक बार वो औरत अपने घर विच बैठी हुई कि उहदे दरवाजे ते दस्तक हुई। उन्हें अपनी नौकराणी नूं कहा कि जा देख दरवाजे ते कौन आया। नौकराणी ने देखिया ते आके दस्या दरवाजे ते एक फकीर आ। उस औरत ने कहा कि जा उहनूं घरों थोड़ा जिहा खाणा दे दे। जिद्दां ही वह नौकराणी खाणा लैके गई, वह फकीर कहण लगे, नहीं मैं तेरे तो भोजन नहीं लैना, इस घर की मालकिन मैनू खुद आके पावे। ये सुन के वह औरत थोड़ी हैरान हुई कि फकीर ने इस तरह क्यों कहा। फिर भी फकीर का कहना मन के वो औरत जो फकीर भोजन पानी देन गई तो फकीर उन्होंने देख के कहन लगे, बेटी तेरे कोई भी औलाद नहीं बचनी, क्योंकि तेरे ते काला जादू किया होया। ये सुन के वह औरत हैरान परेशान हो गई, कहन लगी, हजरत तुसी ये किद्दा कह सकते हैं, मेरे तो एक बेटी आ। फकीर कहन लगे, जा देख तेरी वो बेटी जिंदा नहीं आ, मर चुकी आ। कंबदे हुए दिल दे नाल जदों वह औरत उस कमरे दे विच गई जिथे उहदी लड़की सुती हुई सी, उन्हें जाके देखिया तो लड़की सचमुच ही मर चुकी सी। वह औरत जारो कतार रोन लग पई। फकीरां दे कोल आई ते आके सारी गल दसी। फकीर कहन लगे, तेरे ते काला जादू किया होया, तेरी कोई औलाद नहीं बचनी। फकीरां ने उहदे कोलों भिक्षा लई ते उत्थों चले गए। होया भी इस तरह ही उहदी होण वाली औलाद भी नहीं बची। इदां ही समां गुजरिया। एक बार फिर तो वह औरत गर्भवती हुई। जदों समा नेड़े आया तो उहदे दर ते उही फकीर वापस आए। फिर उस औरत ने अपनी नौकराणी नूं कहा कि जा दरवाजे ते देख कौन आ। जदों वह दरवाजे ते आई उन्हें फकीरां नूं पहचाणिया तो उन्हें जाके अपनी मालकिन नूं दस्या कि उही फकीर आ। वह औरत फकीरां वास्ते भोजन लैके गई। फकीर कहन लगे कि तेरे ते काला जादू किया होया, तेरी ये औलाद भी नहीं बचेगी। फकीर इन्नी गल कह के चल गई। अगली बार भी उस औरत दे लड़की ही पैदा हुई ते वह भी थोड़े समय बाद ही मर गई। दुखां परेशानियां दे विच उस औरत दा समा गुजरिया। एक बार फिर तो अल्लाह ताला दा रहमो करम होया, वह फिर तो गर्भवती हुई। उही फकीर फिर तो उहदे दरवाजे ते आए। फकीर कहन लगे, तेरी ये औलाद भी नहीं बचेगी। ये सुन के वह जारो कतार रोन लग पई। इन्ने चिर नूं उस औरत दी नौकराणी ने उस घर दे मालक नूं सद लिया। घर दा मालक भी एक घोड़े ते आया। जिद्दां ही वह घोड़े तो उतरिया तो उस घोड़े ने एक अजीब हरकत कीती। वह घर दे विहड़े विच जा के अपने पौड़ मारन लग पिया ते धरती दी मिट्टी पट्टन लग पिया। हौली हौली घोड़े ने पौड़ मार के उत्थे एक कबर बना दित्ती। अगली बार जद उस लड़की दे बच्चा पैदा होया, जदों बच्चा थोड़ा जिहा जवान होया तां वह बच्चा उस कबर दे विच डिग पिया। जदों उन्हां ने उस बच्चे नूं कबर विचों कढ़िया तां वह मर चुका सी। फकीर फिर उहदे दर ते आए ते आके दस्या कि तेरे ते काला जादू किया होया, तेरी औलाद नहीं बचेगी। जदों हुण भी उहदी लड़की दी मौत हो गई तां उह औरत समझ चुकी सी कि फकीर जो कह रहे आ सच कह रहे आ, सचमुच ही मेरी औलाद नहीं बचूगी। इदां ही थोड़ा होर समा गुजर गया। एक बार अल्लाह दे रहमो करम दे नाल वह औरत फिर तो गर्भवती हुई ते उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची नूं जन्म दिता। हुण उह दोए तीमी आदमी ए हमेशा ही खौफ विच रहिंदे सी कि किते उन्हां दी ए औलाद भी मर ना जावे। एक बार वह औरत अपने पति नूं नाल लै के एक फकीर दे कोल जा रहे सी कि उन्हां दी बच्ची बच जावे।
ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਜਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਖਫਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਖ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਮਰਦ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ
कि हजरत मैं इस दुख तो निजात पाना चाहती हाँ, तुसी जो कहूंगे मैं करूंगी, बस मैनू इस मुश्किल की घड़ी तो बाहर कढ़ो। फकीर कहन लगे कि देख ला ये काम बहुत औखा। वो लड़की कहन लगी मैनू अपने रब ते पूरा यकीन आ कि वह मैनू इस परेशानी चो बाहर जरूर कढ़ेगा। फकीर कहन लगे सुन तेनू उस सप्प नू अपने पेट दे विचो जन्म देना पवेगा तां जो तेरी आने वाली औलादा की मौत ना हो सके ते सा सुरखरू तेरिया औलादा तेरे कोल जीवत रहन। फकीरां दी गल सुन के औरत कहन लगी हजरत तुसी जो कहूंगे मैं उसे तरह ही करन नू तैयार हाँ। फकीरां ने उस लड़की नू कोई खास अमल दसे, खास मंत्र दसे जेड़े कि उस औरत नू ही करने सी। एक रात उस औरत ने अपने शौहर नू सारी गलबात दस दिती कि फकीरां ने उन्हू की हुक्म लाया। ये सुन के उहदा शौहर भी परेशान हो गया, कहन लगा तू पागल हो गई आ, एक सप्प नू अपने पेट विचो जन्म दमेगी, तेनू किद्दां पता कि वह फकीर सच बोल रहे आ। वह औरत कहन लगी मैनू उस फकीर ते पूरा यकीन आ क्योंकि उन्हें जो कहा वो साड़ियां अखां दे सामने सच होया, वो खास अल्लाह दे भेजे हुए फकीर आ। फकीरां ने उस औरत नूं एक खास गल भी दसी सी कि जेकर तू इस तरह उन्हूं अपने पेट विचों जन्म दमेगी वो काले जादू वाला सप कदे जन्म नहीं लवेगा, पर जेकर तू उन्हूं प्यार दे नाल कहेंगी, उन्हूं अपना बेटा मनेंगी ते उन्हूं कहेंगी कि तू मेरा बेटा आ, तां जाके वो तेरे पेट दे विचों जन्म लवेगा। फकीरां ने उन्हूं खास अमल दस दिते ते वो औरत रात दी तनहाई विच वो खास अमल करदी रही। हौली हौली दिन बीतते रहे, वो सप उहदे पेट दे विच बदन फुलन लगा। उन्हें एक दाई नाल भी गल कर रखी सी कि मेरे पेट दे विचों इंसानी बच्चा नहीं सगो एक काला भयानक सप जन्म लवेगा, पर तेनू घबराउण दी लोड़ नहीं आ। वो दाई भी राजी हो गई। समा गुजरदा रहा, वो समा भी आया जिस दिन उस सप ने उस औरत दे पेट विचों जन्म लिया। वो सप नू देख के बड़ी हैरान परेशान सी कि किद्दां उन्हें एक खौफनाक जहरीले सप नू अपने पेट विचों जन्म दिता। उस सप दे नाल नाल एक जिंदा बच्चा भी पैदा होया जिहदा रंग बिल्कुल नीला सी ते थोड़े समय बाद ही उहदी मौत हो गई। वो औरत दुखी सी पर उहनू इन्ना सुकून सी कि जो उहदे पेट विच काला जादू वह सप पल रहा सी उहदे तों हुण उहनू निजात मिल चुकी आ। हुण वह औरत काले जादू तों निजात पा चुकी सी, काले इलम तों हुण उहदा पेट भी साफ हो चुका सी। अल्लाह ताला दा रहमो करम होया, कुछ कु सालां विच ही उस औरत दे दो सेहतमंद लड़के पैदा होए जिन्हां नूं पा के औरत बड़ी खुश सी। इदां ही थोड़ा समा होर गुजर गया, एक दिन फिर उही फकीर उस औरत दे दरवाजे ते आए। फकीरां नूं देख के औरत घबरा गई ते भज्जी होई गई ते कहन लगी हजरत तुसी इत्थे किद्दां आए आ, कि कोई अजिही खबर तां नहीं जिन्हू सुन के मैं टुट जावा, क्योंकि अल्लाह दे रहमो करम दे नाल हुण मेरे कोल दो सेहतमंद लड़के आ। उस औरत दी गल सुन के फकीर कहन लगे नहीं बेटी, अज मैं कोई बुरी खबर नहीं सगो तेरे लिए खुशखबरी लैके आया कि जिस काले जादू वाले ने तेरे ते काला जादू किया सी वो जंगल विच बैठा किसी ते काला जादू कर रहा सी कि किसे पास्यों एक काले रंग का सप आया जिन्हें उन्हूं डस लिया ते उहदी मौत हो गई। मैनू अल्लाह दे फरिश्तियां तों पता लगा कि वह फिर तो तेरे ते काला जादू कर रहा सी, पर अल्लाह दी करनी कि अल्लाह ने तेनू महफूज कर लिया ते उस काले जादू वाले दी मौत हो गई। फकीर कहन लगे अल्लाह पाक ने तेरे ते कर्म कर दिता, हुण तेरी औलाद सदा ही तेरे कोल रहूगी। ये सुन के वह औरत बड़ी खुश होई ते उन्हें फकीर दा ते अल्लाह पाक दा शुकराना कीता। तो अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान आ,
बड़ा गरीब नवाज आ, वो अपने बंदयां दा इम्तिहान भी लैंदा ते उन्हां नूं हर परेशानी तो महफूज भी रखदा।